सो गाइस आ चुके हैं जिम में। आज मैं शेयर करने वाला हूँ बाइसेप का वर्कआउट। आप टाइम भी देख सकते हो, 5 बज गया। सो हेलो नमस्ते, स्वागत है गाइस एक नए ब्लॉग में। तो हम आ चुके हैं जिम में। आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ अपना बाइसेप्स का वर्कआउट का रूटीन। लास्ट वीडियो होने वाला है इस बल्क एपिसोड का। मैंने इसके बाद मैं रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, पर ये हमारा बल्क एपिसोड का लास्ट वीडियो बाइसेप्स का। अपना रूटीन बैक में कौन कौन सा एक्सरसाइज में फॉलो कर रहा हूँ बल्क में, बाइस रहा बाकी बाइसेप्स का, तो बाइसेप्स का मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को वीडियो। अगर वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो बस प्यार बनाए रखना भाई के चैनल को। जिम एक ऐसा चीज़ है जिसे रोज़ रोज़ जताना पड़ता है। आप एक टाइम पे गर्लफ्रेंड को छोड़ भी सकते हो और वर्कआउट को नहीं छोड़ सकते हो, जिम को नहीं मिस कर सकते हो। आपको रोज़ जाना ही पड़ेगा, रोज़ जताना ही पड़ेगा कि हाँ करता हूँ मैं तुमसे प्यार। तो ये है जिम का, और मज़ा भी आता है। जो मतलब जिम एक ऐसा चीज़ है, आप उसका अगर हैबिट बना लोगे तो वो करने में खुद से खुद मज़ा आएगा। अगर आप एक दिन नहीं जाओगे जिम करने वर्कआउट करने, तो ऐसा हो गया कि अगर मैं एक दिन जिम ना आऊँ तो अंदर से लगता है कि आज कुछ मिसिंग है पूरे दिन में, मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में। जिम आदत बन चुका है, लोगों का नशों का आदत होता है, किसी को लौंडिया का नशा होता है, किसी को हर चीज़ का नशा होता है, पर हम लोग को, मेरे को जिम का नशा हो चुका है। अगर पूरे दिन में अगर मैं जिम करने ना आऊँ तो लगता है कि मैंने पूरे दिन में कुछ किया ही नहीं। अगर मैं वर्कआउट कर लूँ, घर पर चला जाऊँ, मस्ती का नींद आता है। आप एक ट्राई करना, अगर आप सुबह सुबह वर्कआउट करोगे तो आप पूरे दिन नींद में रहोगे, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर आप शाम में वर्कआउट करते हो, घर पर जाओ, अपना डाइट लो, सो जाओ मस्ती से, और नींद भी आता है एकदम कुंभकर्ण वाला नींद आता है, एकदम मस्ती का नींद आता है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को बाइसेप का एक्सरसाइज। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। सो लेट्स गो एंड डू इट भाई, डू इट। आने वाला है वो हमारा वार्म अप सेट है, उसका हम लोग लेंगे 2 सेट मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ, और मिनिमम वेट रहेगा, लाइट हैवी नहीं, लाइट नहीं, मिनिमम वेट रहेगा कि 20-25 रेपिटेशन निकाल दें। सो दिखाते हैं आप लोगों को करके। सेकेंड सेट है हमारा इस साइज का। I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna touch your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done. You are not as tough as एक तो पता नहीं चल रहा बैग वाले दिन मशीन पे मशीन से सेट मारा था बैक का, तो यहाँ पे शोल्डर के पास कुछ आवाज़ किया कट सा भाई, बाइसेप मारने में बहुत दर्द हो रहा है। जब स्ट्रेच कर रहा हूँ तो काफ़ी दर्द हो रहा है, लगता है कुछ हुआ है तगड़ा वाला। उम्मीद करते कि ज़्यादा बड़ा इंजरी ना हो मेरे को, वरना जिम छोड़ना पड़ेगा। कुछ होगा तो जिम ही छोड़ना पड़ेगा मेरे को। उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए ये चीज़, दर्द तो कर रहा है काफ़ी, पर ठीक है, जिंदगी का नाम ही दर्द है। हो जाएगा, सही हो जाएगा, टाइम लगेगा। पहला एक्सरसाइज है, आप 3 सेट लेना।
that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, दो क्लिप में ऐसा हो गया कि मैंने सेट मारा पर वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया, भोसरी के दिन है। सेकेंड सेट हमारा बेंच पे होने वाला है, इंक्लाइन बेंच को सिंपल नॉर्मल बेंच को ऊपर करकर। सेकेंड सेट 10 kg के डंबल्स है, लाइट वेट ही परफॉर्म करना है, हैवी नहीं, क्योंकि सेट में बाइसेप छोटा मसल होता है अपने पूरे बॉडी में, तो ज़्यादा इसको भार देने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइट वेट से ही परफॉर्म कर सकते हैं। कितना भी खराब हो, रोज जिम आने का नशा एक अलग है, अलग लेवल का। सो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 है, उसके बाद एक और एक्सरसाइज वो हैमर रहने वाला है या मशीन पे, दोनों में से कोई एक। I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Dumbbell कर लिया हमारा portion, हमारे side से अब 3 set लेना, अब तीनों को maximum rep के साथ मारना। Rep count मत करना, failure count करना, कब कितने fail तक मार सकते हो। डाइट वाइट आप छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं डाइट का, वर्कआउट करो, डाइट अपने आप पूरा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि छोड़ो, बाद में बताऊंगा, अभी सेट मार लेते हैं, तो ज्ञान की बातों में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। In the past, move on from the grief and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. भाई नेचुरल ऐसी ही बनती है, नेचुरल बॉडी इतना ही रहता है। इसे अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको बॉडी में सुई या बम में सुई लेना ही पड़ेगा, तब ऊपर जाएगा। नेचुरल इतना ही बनता है। आप क्या सोच रहे हो, नेचुरल आपको सेट कर लोगे बॉडी, अभी से क्या नेचुरल दिखने लगोगे? नहीं, कभी नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ अपने बॉडी में। गलत चीज़ या सही चीज़, सही चीज़ ही है। आप गार्डियंस के अंदर लोगे तो सही चीज़ ही है, वरना हार्मफुल तो सब कुछ है। आप एक्स्ट्रा आप दिन भर जिम नहीं करो तो वो भी हार्मफुल ही है।